एवरीवन, आई एम बरखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्टिंग में जो वीडियो आपने देखी है, आज मैं उसी वीडियो का ट्यूटोरियल यहां पर देने वाली हूं। मेरे से कई लोगों ने डीएम करके इस वीडियो के बारे में रिक्वेस्ट की थी। अभी कुछ ही दिन पहले एक दो लोगों ने मुझे कॉमेंट में भी इस वीडियो के लिए मेरे से बोला था कि मैं इस तरह की कुछ वीडियो बनाऊँ। एक्चुअली मैं इस वीडियो को बहुत पहले बनाने वाली थी। जब मैंने 3 लेयर वीडियो बनाई थी, उसके बाद से ही मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगी थी कि मैं इस तरह की एक वीडियो बनाऊं। बट मेरे साथ सीन ये फंस रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे किस तरह से बनाऊं। एंड मैंने काफ़ी सर्च भी किया यूट्यूब पे कि शायद इससे रिलेटेड कोई आइडिया मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। तो मैंने फिर अपना दिमाग लगा के ही इस वीडियो को बनाया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, इसमें दो तरह से है। मैंने क्या किया है, मैंने स्क्रीनशॉट लेके चीज़ें की है। आप उसके बजाय अगर आप फ्रीज करके भी करना चाहें, मतलब वो पार्ट जहां पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, तो जो पार्ट मैंने स्क्रीनशॉट लेकर बनाया है, वो पार्ट अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो भी आपका सेम काम ही हो जाएगा। आपको वहां से लेके फिर से काम नहीं करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लेट पोस्ट करने का ये सीन भी है कि मुझे इसका टाइटल नहीं समझ में आता कि मैं ऐसा क्या टाइटल इसमें रखूं जिससे ये वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच पाए। लाइक आप अगर YouTube पर आए हैं और आपने उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सर्च किया है, तो ऐसा आप क्या सर्च करें जिससे इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले दिख जाए, या आपको मतलब खुद ना सही ऑडियंस तक उस चीज़ को पहुँचे कि आपको उस वीडियो की नीड है तो ये वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो मुझे ना टाइटल नहीं समझ में आता कि मैं टाइटल क्या रखूँ, मैं ऐसे कौन से कीवर्ड रखूं जिससे मेरी सही, मतलब जिसे सही ऑडियंस तक मेरी ये वीडियो पहुंच पाए। तो इसी वजह से थोड़ा सा ये लेट हो गया। तो चलिए कोई नहीं, आज मैंने इस वीडियो को प्रॉपरली बना लिया है एंड मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैंने और भी कई वीडियोस, मतलब मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोस अगर मैंने बनाई हैं तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड, यानी कि उससे एडिटिंग से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड, इन सब तरह की वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा वो एक प्लेलिस्ट नहीं चेक किया तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, मे बी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो सके। एंड मैंने 3 लेयर वीडियो भी बना रखी है बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने 2 तरीके से बता रखी है, एक बहुत ही सिंपल तरीका, एक थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है। तो वो तरीका तो इसमें आपको पता ही चलने वाला है कि मैंने किस तरह से बनाया है। एंड अगर आपको सिंपल तरीका पता करना है तो आपको मैं आई बटन पे दे दूंगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो वीडियो मेरी जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाई है सबसे ज़्यादा चलने वाली वीडियोस वही है, और मुझे देखकर काफ़ी अच्छी लगी कि चलिए एक वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो पाई है। एंड वो इतना ईजी तरीका था ना, इस वजह से और शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आई है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कहाँ तक हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले प्ले स्टोर पर। आपको कोई भी ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पर आपको PIP का ऑप्शन दिया जा रहा है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वीटा का यूज़ कर रही हूँ, आप VN एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर मैं वाटरमार्क आपको दिखा दे रही हूँ, सेटिंग्स पर जाके आप वाटरमार्क हटा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप जाएंगे तो सबसे पहले हम स्टेप्स में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली वीडियो क्रिएट करते हैं जो सबसे टॉप पे आपको दिखी थी, उसको क्रिएट करने के लिए हमने 10-10 सेकंड की बना रखी है। तो क्या करना है, उस वीडियो पे जाना है, वो सबसे पहले वीडियो रहेगी। तो स्टार्टिंग में नहीं, हमें क्या करना है, 10 सेकंड पहले उसको देखना है एंड 10 सेकंड के बाद का क्लिप हमें डिलीट कर देना है एंड देन उसका हमें ले लेना है स्क्रीनशॉट। आप VN एडिटर में अगर आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा, या अदर एप्लीकेशन में आपको फ्रीज का ऑप्शन मिल जाएगा। वीटा में आपको फ्रीज का ऑप्शन नहीं मिल रहा, जैसे कि मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, यहाँ पे कोई फ्रीज का ऑप्शन मुझे नहीं मिला था। तो मैंने क्या किया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे कि मैंने किया था। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी सेम काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट सेम ही चीज़ आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे प्लस का निशान दिख रहा है, वहाँ से जाके आप फोटोज़ में जाएंगे, इमेजेस में यानी कि, और इमेज में जाकर आप इस तरह से उसकी फ़ोटो को ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका रेशियो सेट करना है। अगर आप रेशियो नहीं सेट करते तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ जानना है फिट के ऊपर और इसको इस तरह से हमें फिट कर लेना है। फिट करने के बाद इसको मैं अपनी उंगलियों का यूज़ करके इसको मैंने ये बीच में इस तरह से कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आपको भी करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा बस। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, 30 सेकंड की मैं वीडियो बना रही हूँ, तो यानी कि बाकी का 20 सेकंड ये फ्रीज रहने वाला है। तो मैं इसको 20 सेकंड
एक्स्ट्रा इस इमेज को बढ़ा ले रही हूँ, तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में क्या होगा, वीडियो चलेगी, बाकी के 20 सेकंड में क्या होगा, फ्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी की जो दो वीडियो हैं वो उस टाइम पर चल रही होंगी। तो जो कॉन्सेप्ट आप मेरे से बोल रहे थे तो मैंने लगभग उसी को सोचकर इसको पूरा क्रिएट किया है। तो ये अब यहाँ पे बन चुकी है, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। याद रखिएगा ये सबसे टॉप पे वीडियो रहने वाली है क्योंकि ये पहली वीडियो है, ठीक है। अभी सेम काम हमें दूसरी वीडियो के साथ भी करना है, बट दूसरी वीडियो में क्या होना, जैसे पहले वीडियो में स्टार्टिंग के 10 सेकंड चल रही थी तो हमें स्टार्टिंग के 10 सेकंड दूसरी वीडियो को यहाँ पर फ्रीज रखना है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्यों, क्योंकि ये शुरुआत में ही फ्रीज रहने वाली है। एंड सेम उसी तरह मैंने यहाँ पे भी इसको 10 सेकंड की वीडियो चलाकर मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है। एंड कट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट इस तरह से लिया एंड यहाँ से अभी मैं इसको कट कर दूंगी। तो ये मैंने इसको कट कर दिया एंड उसको डिलीट कर दिया जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था। तो अभी क्या, दो स्क्रीनशॉट सेकंड वाली वीडियो में हमें दो स्क्रीनशॉट लगानी है, ठीक है। जो भी आप सेकंड टाइम पे वीडियो चलाने वाले हैं उसमें याद रखिएगा आपको दो स्क्रीनशॉट लगाना है, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। तो मैंने यहाँ पे दोनों ले लिया है, मैंने बीच में वीडियो रख ली है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग वाला स्क्रीनशॉट था वो रखा है, उसमें भी सेम ही काम करना है, आपको फिट में जाना है एंड उसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से कुछ। तो जब आपकी पहली वीडियो 10 सेकंड चलेगी तो वहाँ पर ये फ्रीज रहने वाली है। एंड ऐसे ही लास्ट में करना, जब आपकी तीसरी वीडियो चलेगी तो वहाँ पर ये फ्रीज रहेगा। तो इसको भी मैंने फिट कर लिया है, फिट करने के बाद उसको नीचे करके मैंने उसको पूरा सेट कर लिया है। तो अब ये कुछ इस तरह से वीडियो बन गई। अभी इसकी टाइमिंग को मैं यहाँ से बढ़ा ले रही हूँ, इसकी टाइमिंग को स्टार्टिंग में 10 सेकंड करना है एंड आपको लास्ट में 10 सेकंड करना है। स्टार्ट जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें जो हम लोग लास्ट में था वो 20 सेकंड का था, ठीक है। बट इस वाली में क्या करना है, स्टार्टिंग में 10 सेकंड रखना है एंड एंड में 10 सेकंड रखना है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा, अगर आप लॉजिक पे ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी और आप आराम से इसको बना सकते हैं। मैंने भी अपना लॉजिक लगा कर ही ये थोड़ा सा के साथ इस चीज़ को शेयर किया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से हम सेव कर लेंगे, ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ से हमने इसको भी सेव कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरी वाली को बनाने के लिए, ठीक है। तो तीसरी वाली में भी हम सेम जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे एंड हम अपनी तीसरी वीडियो, जो भी आप अपनी तीसरी वीडियो उसमें रखना चाहते हैं, आप इसी तरह से आप तीसरी चौथी पाँचवीं जितनी भी वीडियो आप अपने उसमें रखना चाहते हैं सेम लॉजिक लगाना है। अभी क्या करना है, हमारा ये जो तीसरी वाली वीडियो ये पहली वाली वीडियो चलने के टाइम पे भी बंद रहेगी, दूसरी वाली पे भी बंद रहेगी, तो ये खुद जब तीसरा इसका टाइम आएगा तभी चलेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पे जाना है और इसकी 10 सेकंड वाली वीडियो को ले लेना है। तो यहाँ से हमने इसको 10 सेकंड ले लिया, बाकी का हमने यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर दिया। अब हमें स्टार्टिंग में इसमें ले लेना है स्क्रीनशॉट, बिकॉज ये स्टार्टिंग के 10 सेकंड फ्रीज रहने वाली है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस के निशान में जाएंगे, हम जाएंगे फोटोज़ में, जो भी लास्ट फोटो यहाँ पे हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ली है उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब हम अगेन जाएंगे फिट के ऊपर, यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन में आपको फिट वाला ऑप्शन मिल जाना है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए आपको सामने दिख रहा होगा फिट का ऑप्शन, इसको फिट कर लेना है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फिट करना है और उसके बाद एडजस्ट करके सामने इस तरह से आ जाएगा। इसको अब हम बढ़ाकर अपनी उंगलियों का यूज़ करके आपको इससे कुछ बढ़ाना है, इसको बढ़ाकर अब हम कर लेंगे 20 सेकंड का, ताकि 20 सेकंड का फ्रीज हो जाएगा और 10 सेकंड की वीडियो हो जाएगी। टोटल आपका 30 सेकंड का यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, मैंने कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगाया है, बट यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको बहुत से इफेक्ट वगैरह भी बहुत कुछ है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन यानी कि वीटा में, आप बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनमें से जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से सामने आपके दिख रहा होगा कि वहाँ पे फ्रीज था, अब अगेन ये वीडियो चलने लगी। तो यहाँ से मैंने इसको भी एक्सपोर्ट कर लिया है, इसको भी मैंने अपनी गैलरी में सेव कर लिया है। तो तीनों ही वीडियो तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने थ्री लेयर वीडियो बनाया था सेम चीज़ें इसमें करनी है। पहले हमें ये लेना है, कोई भी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है, कोई भी फॉर्मेट आप लेंगे, फॉर्मेट लेने के बाद आपको उसका रेशियो करना है। तो रेशियो आप जो भी रेशियो में लेना चाहते हैं, मैंने ये इंस्टाग्राम वाला रेशियो लिया है 9:16 का, और इसको मैंने क्या कर लिया है, उसको बढ़ा के मैंने 30 सेकंड कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये बेस रहने वाला, जितना बड़ा ये रहेगा उतनी ही आपकी PIP वर्क करेगी। तो टोटल हमारा ये हो गया 30 सेकंड का। अब इसके ऊपर हमें जाना है प्लस में, प्लस के बाद यहाँ पे देखिए आपको PIP का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हम सबसे पहले स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली वाली वीडियो ये थी, फिर ये सेकंड वाली है एंड ये थर्ड वाली है, ठीक है। तो पहली वीडियो हम यहाँ से चूज़ कर ले रहे हैं इसको,
तो यहाँ से इस तरह से हम पहले इसको फिट करेंगे, उसके बाद ऊपर ले जाके इसको वहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसको एडजस्ट कर लेंगे अपने बिहाव पे, जैसा भी आपको सही लगे आप कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। अब हम जाएंगे सेकेंड वीडियो पे, तो सेकेंड वीडियो ये थी हमारी। तो अब हम इसको भी लेकर उसी तरह से सेम पहले दोनों उंगलियों का यूज़ करके उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, या फिर साइड से आप एक कॉर्नर को आप टच करेंगे और अपनी तरफ बढ़ाएंगे तो वो अपना एडजस्ट कर लेगा। तो ये देखिए, मैं एक कॉर्नर को पकड़ के उसको बड़ा कर रही हूँ तो वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, किनारे किनारे ग्रीन ग्रीन जैसे दिखेगा तो लगेगा कि हाँ अभी फिट है, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका ये सेकंड वाला हो गया, वो आपका फर्स्ट हो गया, नीचे वाला आपका सेकंड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड वाला ऐड करना है। तो इस तरह से मैं कुछ एडजस्ट कर ली हूँ, आप भी इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे पीआईपी पे और थर्ड वाला हम यहाँ से ले लेंगे एंड इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाना है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देके पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप स्किप करेंगे तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो देखिए, सामने कुछ इस तरह से पहले सबसे पहले वीडियो चल रही है, देख सकते हैं आप। बाकी दोनों नीचे देखिए फ्रीज है, सिर्फ ऊपर वाली वीडियो चल रही है। अभी देखिएगा, अब ये वाली चलेगी, ये देखिए कुछ सामने। अब देखिए, ऊपर वाली फ्रीज है, नीचे वाली फ्रीज है, अब सिर्फ बीच वाली चल रही है। ठीक है, अभी देखिए बीच वाली और पहली वाली बंद हो गई है, फ्रीज हो गई है। अभी तीसरी वाली चल रही। अब देखिए, टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कब कहाँ कैसे क्या करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया दिया है, अब मुझे तो नहीं पता ना कि आप क्या करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ एक आइडिया ही दे सकती हूँ। बाकी चीज़ें क्या है, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है मैंने, आप अपना दिमाग लगा के उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से देखिए, पहली चीज़ तो आप ये स्पीड का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो स्पीड आप आगे पीछे कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आप लेयर का जो ऑप्शन है, कौन सी वाली वीडियो ऊपर रहनी है, कौन सी वाली वीडियो नीचे रहनी है, तो उसका भी आपको ऑप्शन दे दिया गया है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ से हम लेयर पे आ जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम फिल्टर पे आ जा रहे हैं। फिल्टर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ से मिल जाएंगे, तो मैं इसको ब्लैक एंड वाइट रख दे रही हूँ, बिकॉज ब्लैक एंड वाइट रखने से आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही हो गई है सारी वीडियो, मैंने सारी फॉरेस्ट वाली ही डाल दी है। तो इस तरह से कुछ देखिए सामने आपका बन गया है, तो ये कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर ले रहे हैं। देखिए कितना सिंपल सा तरीका सा, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है, और वीडियो तो थोड़ी सी लेंदी थी, जब आप क्रिएट करेंगे तब भी वो लेंदी ही लगेगी। तो यहाँ से ये वीडियो पूरी हमारी क्रिएट हो गई है। देखा आपने कितना ही आसान तरीका था इस पर्टिकुलर वीडियो को क्रिएट करने का। मैं अगेन एक बार और आपको बता दे रही हूँ, जो चीज़ मैंने स्क्रीनशॉट लेकर की है आप उसको फ्रीज़ करके भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट लेके इसलिए बताया बिकॉज बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें फ्रीज़ का ऑप्शन नहीं देते हैं, बट आई थिंक आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस में आपको फ्रीज़ का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो आप फ्रीज़ के ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीनशॉट तो है ही अपना सिंपल सा तरीका। तो इस तरीके का यूज़ करके आप भी इस तरह की वीडियोस को बना सकते हैं। अभी मुझे सिर्फ यही सिंपल सा तरीका एक सूझा था, तो मैंने इसे क्रिएट करके आपको दिखा दिया। बट अगर इससे रिलेटेड कोई सॉलिड चीज़ होगी जो कि किसी एप्लीकेशन में होगी, या इसके अलावा और कोई ट्रिक होगी जो बहुत सिंपल होगी, मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है, अगर इसके अलावा कोई मुझे ट्रिक दिखेगी तो मैं ज़रूर इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी। बट मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकती बिकॉज मुझे मिल ही नहीं रही है इससे रिलेटेड, बट अगर इन केस अगर मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर इस रिलेटेड जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो कैसे लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड मैंने इससे रिलेटेड कई वीडियोस बना रखी हैं, मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब से रिलेटेड कई वीडियोस बना रखी हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियो भी मिल जाएंगी। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ना किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है barkha_Tripathi, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फनी रील्स भी मिल जाएंगी, जो कि आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर ही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रील्स उसमें बना रखी है। तो इन केस आपने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे ना फॉलो किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।